हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। 11th अकाउंट्स की हमारी थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? देखिए, आपकी बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है। सिस्टमैटिक कवरेज करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, अदरवाइज फ्रैंकली इस वीडियो की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टू वीडियोस में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कवर कर चुके हैं। बट थ्योरी कंसेप्ट थोड़ा सा अगर आप पेशेंटली सुनते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो शुरू शुरू में अगर चीजों को बार बार सुना जाए तो उससे बहुत पक्की हो जाती है। तो शायद इस वीडियो में भी, क्योंकि मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूं, बहुत ज्यादा नया कुछ बताने के लिए मेरे पास भी नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की, तो सबसे पहला है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखिए, अकाउंटिंग आपके लिए सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाती है। सिस्टमैटिक, कितने भी कस्टमर्स हों, लेकिन अगर हम लेजर अकाउंट खोलें, मैंने याद होगा बताया था पिछली वीडियो में भी कि हम क्लासीफाई कर देते हैं एक तरह के अकाउंट्स को एक जगह पे, तो इससे क्या होता है कि हमें सिस्टमैटिक पता चल जाता है किस बंदे से हमें कितना पैसा लेना है। अब जैसे सपोज हम किसी को उधार माल दे रहे हैं, है ना, वी आर सेलिंग आर प्रोडक्ट्स, जिसको अकाउंटिंग सेंस में गुड्स बोलते हैं, वी आर सेलिंग आर गुड्स ऑन क्रेडिट। अब एक आदमी को हम उधार दिए जा रहे हैं, तो हम कभी भी सिस्टमैटिक ये चीज चेक कर सकते हैं कि आज की तारीख में टोटल कितनी उधार है। अच्छा, जरूर तो नहीं कि वो आदमी उधार लेता ही जा रहा हो सकता है उसने बीच में कुछ पैसे दिए हो। सपोज हमने दिया उधार 10,000, फिर 50,000, 10,00,000 की उधार हो गई, बीच में उसने 8,00,000 रुपए जमा करा दिए, फिर चल रहा है। तो ये बिजनेस है, इसमें लेन देन ट्रांजैक्शंस चलती रहती है, लेकिन हम किसी भी वक्त ये समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, तो हमें पता होगा कि किस बंदे से हमें टोटल कितने पैसे लेने हैं। इसी तरह से हम भी तो उधार परचेजेस कर सकते हैं, हमें पता होगा कि किस पर्टिकुलर डीलर के हमें कितने पैसे देने हैं। हो सकता है कंपनी के पास एक ही बैंक अकाउंट हो, अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो, उनकी सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग चल रही है, तो कंपनी को पता होगा कि हमारे पास कितने फंड्स किस बैंक में अवेलेबल हैं, कितनी एफडीज हैं। वो बात अलग है, आज का जमाना बैंकिंग भी बहुत हाईटेक हो गया है और एप्स पर ही सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की अपनी वैल्यू है। मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को आज की तारीख में पेमेंट्स करता हूं अलग अलग पर्पसेस के लिए, कुछ को पेटीएम कर देते हैं, है ना, कुछ को ऑनलाइन पे कर देते हैं, किसी को चेक देते हैं, किसी को कैश देते हैं, तो ये सारा ना कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो एक जगह अगर उन चीजों को कोई चीज कनेक्ट करती है, एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आती है, तो वो है अकाउंटिंग। क्योंकि पेटीएम वाले अपनी स्टेटमेंट तो दे देंगे, बैंक वाले अपनी स्टेटमेंट दे देंगे, लेकिन कैश, चेक यानी बैंक एंड पेटीएम एंड अदर एप्स, उन सबको एक ही जगह पर अकाउंटिंग ही लाएगी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कब किसको कहां से कैसे दे दिया। अनलेस कि आप बहुत स्ट्रिक्टली एक ही चीज यूज करो, जो कि प्रैक्टिकली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हो, उनसे पूछोगे वो कहेंगे हाँ इट इज रफली नॉट पॉसिबल टू डील ओनली इन कैश और ओनली इन बैंक और ओनली इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। ये पेटीएम और एप्स जो चल रही है, तीनों का कॉम्बिनेशन ही चलता है कहीं ना कहीं, तो क्लियर पिक्चर जो है वो सिस्टमैटिक अकाउंटिंग ही देती है। दूसरी बात, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। ये मैंने पहले भी अच्छे से बताया था कि पूरे साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ, ये बात हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलती है। बाद में हम पढ़ के समझ लेंगे इस बात को कि ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट पता चलता है। इसी तरह से हमारी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, ये हमें बैलेंस शीट बताती है। समझे नहीं आप? बैलेंस शीट। अब ये जो बैलेंस शीट है, ये क्या है? बैलेंस शीट में, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। कंपनी को मालूम होना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितनी एसेट्स हैं, है ना, कितने की मशीनरीज हैं, कितना स्टॉक है, कितनी बिल्डिंग है, कितने फर्नीचर्स और अदर बैंक बैलेंसेज, ये सब हमारे एसेट्स हैं। कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं, अगर बड़ी कंपनीज में जाएंगे तो नई टर्म्स और बता रहा हूं आपको, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, है ना, लोन्स भी कई तरह के होते हैं, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, तो उन सब का लेखा जोखा एक कंसोलिडेटेड वे में देती है बैलेंस शीट। इसके बारे में नेचुरली हम बाद में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट. ओहो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि हमें कैसे डिसीजन लेने हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्या हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है. आप सोच के देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने ये फैन बनाया या मैंने ये ट्यूबलाइट बनाई या ये मैंने बोर्ड बनाया, है ना. सपोज मैंने फैन बनाया और मेरे फैन की जो कॉस्ट आ रही है बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो 800 रुपीज है. अब इससे आप क्या कोई डिसीजन ले पाओगे? जब तक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग नहीं होगी, पहली बात तो आपको, जब तक सिस्टमैटिक अकाउंटिंग नहीं होगी तब तक यही नहीं पता चलेगा कि फैन बनाने की, एक फैन को बनाने की क्या कॉस्ट आ रही है. आप समझ ही सकते हैं कि एक फैन को बनाने में कितना वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस अलग अलग दिशाओं में लगा होगा. कहीं से रॉ मटेरियल आई होगी, कहीं से मशीन आई होगी, नहीं फैक्ट्री खरीदी गई होगी, उसका रेंट होगा, उसके अंदर वर्कर्स काम कर रहे होंगे, सुपरवाइजर होगा, अकाउंटेंट होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्वालिटी कंट्रोल होगा, लास्ट में प्रोडक्ट को असेंबल किया जाएगा, पैकिंग किया जाएगा. अभी तो मैं सेल्स की तो बात भी नहीं कर रहा. तो सोच के देखो कि एक फैन की कॉस्ट निकालना है कितना मुश्किल है. ये सब अकाउंटिंग हेल्प करेगी. और फिर डिसीजन मेकिंग में, अब 800 रुपए की मैंने बोल दिया कॉस्ट आ रही है, जैसे एग्जांपल लिया, इससे भी डिसीजन मेकिंग तो होना पाएगी. हमें ये पता होना चाहिए कि जो दूसरी हमारे कंपेरेटिव जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो कितने में मैन्युफैक्चर कर रही है, या हमने एस्टिमेट कितने का लगाया था विद सेल प्राइस. हो सकता हमारा सेल प्राइस ही 700, फिर तो हम लॉस में जाएंगे. वी हैव टू डू सम करेक्शन, या तो सेल प्राइस बढ़ाना होगा या कॉस्ट कैसे भी कम करनी होगी. तो अकाउंटिंग इस तरह से हेल्प करती है. इसी तरह से अकाउंटिंग पास्ट पीरियड से भी कंपैरिजन कर सकती है. भाई फैन पहले तो 600 में बनता था, अब 800 में क्यों बन रहा है? सर लेबर महंगी होगी, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, पार महंगी हो गई, तो वो चीजें पता चलेंगी ना. तो कहने का मतलब है डिसीजन मेकिंग में हमें डेफिनेटली अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट. इफेक्टिव कंट्रोल, कहीं ना कहीं मैंने कंट्रोल की भी बात की. हर कंपनी चाहती है कि वो इफेक्टिव कंट्रोल करे. कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो उन्होंने प्लानिंग की थी, जो एस्टिमेट्स लिए थे, क्या हमारी वर्किंग, क्या हमारा बिजनेस उन एस्टिमेट्स के हिसाब से चल रहा है. अगर सही चल रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगर बेटर चल रहा है देन आप इंसेंटिव्स दीजिए जो लोग इसको काम कर रहे हैं. लेकिन सही नहीं चल रहा देन हमें इसमें करेक्टिव स्टेप्स लेने की जरूरत है. एंड देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ये भी मैंने पिछली आपको वीडियो में कवर किया था पॉइंट. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, जहां तक हम इसकी बात करें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स की, देखिए स्टूडेंट्स, एक कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितने प्रॉफिट में है, कितने में नहीं है, इस बात से डेफिनेटली दूसरे लोगों को फर्क पड़ता है. जो कंपनी आपको उधार देना चाहती है, जो बैंक आपको उधार देना चाहता है, जो पैसा लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी आपकी जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, पिछले 2 सालों की, 3 सालों की, 5 सालों की, उसको देख के पता चलता है. कोई भी कंपनी कंसिस्टेंटली अगर प्रॉफिट दे रही है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं. अब जैसे टाटा की कंपनीज हैं, रिलायंस की कंपनीज हैं, है ना, अभी आप जब और बड़े होंगे तो और बहुत सारी कंपनियों के नाम सुनोगे. इन कंपनीज में हर बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है. क्यों? क्योंकि ये कंपनियां कंसिस्टेंटली बहुत सालों से प्रॉफिट दे रही है. तो ये सब इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूज करते हैं. एंड प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, दिस इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. हम आपकी तो एक गाड़ी होती है, दो गाड़ी होती है, एक घर होता है, दो घर होते हैं, लेकिन कंपनियों के पास सोचो सैकड़ों हजारों गाड़ियां, है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों की तो सैकड़ों हजारों बिल्डिंग्स, फैक्ट्रियां. अगर उनका रिकॉर्ड ही ना हो, प्रॉपर अकाउंटिंग ही ना हो, कौन सी चीज कब खरीदी, कब उसको रिप्लेस करना है, कहां उसकी इंश्योरेंस करानी है, यू नो, ये सारा रिकॉर्ड ही अगर ना हो, और फिर सेल परचेज भी होती होगी. तो यानी कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एक बड़ी कंपनी के हिसाब से, एक बड़े व्यापार के हिसाब से देखें, ऐसे स्टॉक है, पता नहीं कितने गोडाउन में कितना कितना माल पड़ा होता होगा, कितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कितना रॉ मटेरियल लाके खरीद लिया. आप समझ रहे हैं, कल को आपको अकाउंटेंट बनना है. अब बोलोगे सर नहीं, मैं तो अपना बिजनेस चलाऊंगा, तब तो अकाउंटिंग और इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं तो यू मस्ट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है वो सेटिस्फाई होंगे तभी एज ए बिजनेस ओनर आप सक्सेसफुल रहोगे, है ना. सो डेफिनेटली आपकी जो बिजनेस एसेट्स हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स. वो रिकॉर्ड रखती है एसेट्स का, ताकि पता चले कौन सी चीज कब कहां है, किसको रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है. जैसे मैंने बोला इंश्योरेंस, समझते हो आप,
इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसमें अगर हम थोड़ा प्रीमियम भरें एक साल के लिए, तो अगर कल को कोई एसेट चोरी हो जाए, कोई यू नो ब्लास्ट हो जाए, फायर हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को भरती है। तो जब तक हमारे पास प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तब तक हम कैसे इंश्योरेंस कराएंगे। और इंश्योरेंस कंपनी भी रिकॉर्ड मांगती है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी जाके बोल दो और दे विल एक्सेप्ट इट, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिस्टम। सो अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं साइड से हटाऊं अगर आप इसको लिखना चाहें, नहीं तो वैसे मैं टीएस गरेवाल से आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स मैंने वहीं से लिए हैं। आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप टीएस गरेवाल की बुक खरीद लें अगर आप मेरे साथ वीडियो क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी टीएस गरेवाल से ही कराऊंगा। तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए, आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से इसको खरीद लें। थैंक यू।